হয়, আজি যিটো উদ্দেশ্য আমি ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ যে আজি অসমৰ ৰাজ্যিক কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু উদ্দেশ্য সেইটোৱে, কমিটিটো গঠন কৰা হোৱা নাছিলে। धार्मिक समूह के अपने कुछ रीत रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसके अपने तो पर्दे में उस हिसाब से काम होता है। मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ये आप उस चीज को किसी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं करता है और ना करने वालों के साथ सबका साथ देता है। नंबर एक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट 1937 को अपने संविधान में स्थान देता है कि जो हमारे सिविल मामला जो सिविल मैटर्स हैं उनको हमारी कोर्टें भी, पर जो हमारा व्यक्तिगत ला है, जो शरिया है, उसके एतबार से उसको डिसीजन देता है। नंबर एक। नंबर दो, इस देश के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस देश के अंदर क्योंकि संविधान है, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, जो हमारा मोटिव है कि हम भारतीय संविधान और अपने राष्ट्रीयता के प्रति वफादार रहते हुए हम अपने धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, हमारा जो इसके साथ उद्देश्य है कि हमारी कम्युनिटी में जो पिछड़ापन है, नाम पर ही मत जाइए, जो हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये जो तमाम चीज़ें, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, एक जो धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, समाज के प्रति, धर्म और समाज के प्रति, देश के प्रति हमारे अंदर क्या हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ होना चाहिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। इसके साथ साथ हमारे पास लगभग इस देश के अंदर वक्फ की जो इनकम है, जो वक्फ बोर्ड, जो हमारी प्रॉपर्टीज वक्फ है, वो सब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट जो है हमारा, वो 1937 से चल रहा है, लेकिन वो 2005 में उसमें पार्लियामेंट ने उसको एमेंड किया, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं और मॉडिफिकेशन, संशोधन, एमेंडमेंट, ये समय की आवश्यकताएं होंगी।